नमस्कार। जन सरोकार मंच और श्री देवेंद्र जोशी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आप सबके समक्ष बापू की चिट्ठी मेरे नाम पढ़ने का अवसर दिया। मैं हार्दिक धन्यवाद पत्र लेखन विधा के जनक श्री सूरज सिंह जी नेगी, श्रीमती मीना सिरोला जी और श्री चंद्रमोहन उपाध्याय जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक अनूठी मुहिम पाती अपनों को चलाकर लुप्त प्राय हुई पत्र लेखन की विधा को पुनर्जीवित किया। इस मोबाइल युग में जब हम अपने परिचितों एवं स्नेहीजनों को मोबाइल के से ही संक्षिप्त वार्तालाप करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, इसके कारण हम अपने मन के उद्गारों को भी भली बात जाहिर नहीं कर पाते थे। यह सही है कि मोबाइल ने हमें वह सुविधा प्रदान करी जिससे हम दुनिया में कहीं भी बसे हुए अपने परिजनों को, स्वजनों को, मित्रों से बातचीत कर सकते हैं, जरूरी काम बिना समय गवाए कर सकते हैं। पर जितना हम एक दूसरे से पत्र व्यवहार द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं, उतना हम मोबाइल द्वारा नहीं कर सकते। दूसरा लाभ पत्र द्वारा यह है कि हम आजीवन उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। श्री नेगी जी ने अब अनेकों विषयों पर पाथी लेखन द्वारा इस पत्र लेखन की परंपरा को पुनर्जीवित किया तथा हमें भी अपनी पत्र लेखन प्रतिभा का आकलन करने का अवसर दिया। आज लाखों साहित्यकार, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। पत्र डाकिये को लिखवाकर डाकिये का सम्मान भी करवाया और पत्रों के आदान प्रदान की रीत को पुनः संचालित किया। उन्हें और उनकी सहयोगी टीम को कोटिशह धन्यवाद। बापू का पत्र मेरे नाम। बेटी उषा को आशीर्वाद। तुम यह पत्र पाकर चौंक गई होंगी। मैं वही हूं जिसे सभी लोग बापू कहकर पुकारते हैं। मैंने ही दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, मगर अफसोस एक भारतीय ने ही हिंसा का प्रयोग करके मुझे मौत की नींद सुला दी। मेरे अपने ही मेरे विरोधी कैसे हो गए, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं जब दक्षिण अफ्रीका में था तभी से मेरे मन में यह विचार था कि मैं भारत को स्वतंत्र देश बनाऊंगा और मैंने राम राज्य का सपना देखा था। राम राज्य में सभी प्राणी सुखी थे। अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर साकार रूप देखना चाहता था। माता पिता और बड़ों का आदर होता था, जीवों पर दया करते थे और आपसी भाईचारा था। धन धान्य से पूर्ण था भारत, पर मेरा वह सपना चूर चूर हो गया जब स्वतंत्रता के बाद मैंने आपसी मारकाट देखी, देश के दो टुकड़े हुए और लोगों ने जमकर हिंसा का प्रदर्शन किया। मासूम बच्चों और स्त्रियों पर अत्याचार हुए। मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया, यहाँ तक कि मेरे ही देश के लोगों ने मेरी हत्या की। मैं किसी को क्या दोष दूं? शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी जो मैं अपने देशवासियों को ठीक से समझ ना सका और उन्हें समझा ना सका। मैं उनका विश्वास जीत नहीं पाया। अगर मैं उनके मार्ग का रोड़ा था तो मुझे हटाने के बाद तो देश में अमन चैन होता, लोग पूर्व मिलजुल कर रहते, पर जनता ने लूटपाट, हत्या, अत्याचार और हिंसा आगजनी का रास्ता अपनाया। उषा, मैं यह सब देखकर बार बार रोता रहा, पर मेरे आंसू भी भारत की तकदीर न बदल सके। देश के टुकड़े होते रहे, सभी ने अपने अपने राज्य बना लिए। मैंने उन्हें अंग्रेजों से अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी दिलवाई थी, पर उसका उल्टा ही हुआ। लोगों ने अपनी अपनी सत्ता जमा ली।
देश में घूसखोरी, बेईमानी, अराजकता फैली, धन लोलुपता इतनी बढ़ गई कि रिश्ते भी तार तार हो गए। अपने ही स्वजनों की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं किया। भारत धर्म भीरु देश था, न्याय और सत्य के रास्ते पर चलने वाला देश था। फिर उसके लोग उन्होंने क्या किया? परिवार टूट गए, बड़ों का आदर सत्कार न रहा, नियमों की अवहेलना करने लगे लोग, जनसंख्या बढ़ती रही, सद्भाव और मान सम्मान घटता रहा। जो नारी कभी पूज्य थी, देवी कहलाती थी, उस पर जुल्म होने लगे। आज अखबार बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े हैं। रिश्तों की भी लाज नहीं रखी लोगों ने, बहन बेटी पोती और अन्य रिश्तों को भी नहीं छोड़ा। अरे दुधमुहे बच्चों को भी बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी। क्या यही सब देखने के लिए मैंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था? मेरे हृदय का आक्रोश अपने सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहता है, पर अन्य लोगों के हृदय में ये आक्रोश क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्यों वे उसके विरुद्ध कोई कड़ा कदम नहीं उठाते? अपराधी को उचित दंड मिलना ही चाहिए, ताकि दूसरे लोग डरें और ऐसे जघन्य कार्य ना करें जिससे मानवता लज्जित हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब रचनाकार मिलकर इसके लिए अपनी आवाज उठाओ। लेखने में बहुत दम होता है। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं और उन्हें उचित शिक्षा दें। उनकी संगत कैसी है, वे क्या करते हैं, उन पर पूरी नजर रखें। इसके लिए बेसिक शिक्षा आवश्यक है। अगर वे ही अशिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ना ही उन पर ध्यान दे पाएंगे। जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति ही न्याय अन्याय, सत्य असत्य, अच्छे बुरे का भेद, नियम आदि को समझ सकता है और उसके अनुसार आचरण कर बच्चों को शिक्षा दे सकता है। उषा, मैं समझता हूँ हमें आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। हमारा देश जड़ी बूटियों से इतना संपन्न है कि हमें किसी अन्य तरह की औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पर्वत इतने विशाल और विविध जड़ी बूटियों को अपने में संजोए हुए हैं कि प्राचीन समय में विद्वान पुरुष मुनि आदि भी उन्हीं का उपयोग करके शुश्रूषा करते थे। जब लक्ष्मण जी युद्ध में बाण लगने से मूर्छित हुए थे, तब संजीवनी बूटी पिलाकर उनके प्राण बचाए गए थे। अफसोस, आज हम इस विद्या के बारे में ज्यादा नहीं जानते और अज्ञानतावश जंगल के जंगल काट देते हैं, जिनमें एक एक पौधा, एक एक वनस्पति औषधि है। चरक सुश्रुत ऋषियों का ज्ञान इतना विस्तृत था कि वे हर पौधे से दवा बनाते थे। ऐसे ही कई विज्ञ पुरुष प्राचीन भारत में हुए हैं और उनके वंशज भी इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तो कहना है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी अनिवार्य कर दिया जाए तो हमें विदेशियों से दवा मंगवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और हमारा ज्ञान भी अधिक विस्तृत होगा। हर घर में जब एक प्राकृतिक चिकित्सक होगा तो देश स्वस्थ व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है उषा कि तुम सब रचनाकार इस दिशा में प्रयत्न करोगे, ताकि देश में अराजकता समाप्त हो, फिर से वह खुशहाल और संपन्न राम राज्य बन जाएगा। आशीर्वाद सहित, तुम्हारा बापू। धन्यवाद।